आज की वीडियो इंडियन कैप्सूल वार्डरोब सीरीज की सेकंड वीडियो है जिसमें हम आपके साथ ऑफिस वेयर शेयर करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हम आपके साथ ऐसे डिजाइन्स को शेयर करते हैं। इस सीरीज का मकसद ये है या इंडियन कैप्सूल वार्डरोब का मतलब ये है कि आप अपने लिए लिमिटेड गारमेंट पीसेस की कलेक्शन कैसे तैयार कर सकते हैं कैजुअल वेयर में, ऑफिस वेयर में, पार्टी वेयर में, जो कि नंबर में कम होंगे। इन टोटल हम टारगेट कर रहे हैं 50 पीसेस को, जो कि ऐसा एक फिक्स रूल नहीं है कि 50 पीसेस होंगे तभी कैप्सूल वार्डरोब होगा। इससे कम भी हो सकते हैं, इससे कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं। मेन मोटिव ये है कि लिमिटेड कपड़ों की कलेक्शन हो आपके पास। आप इस तरीके से शॉपिंग ना करें, बिना सोचे शॉपिंग ना करें, अपने पैसे खर्च ना करें, ऐसे गारमेंट के पीसेस ना खरीदें आप जो फ्यूचर में मे बी आप बिल्कुल ना पहने, या फिर अगर आप पहने तो उनको आप रिपीट करके ना पहन सके या उनको आप मिक्स एंड मैच करके ना पहन सके। सो अगर आपने कैजुअल वेयर की वीडियो मिस कर दी है देन आप पहले वो जाके देख सकते हैं बिकॉज इन सम वेज वो लिंक्ड है इस वीडियो के साथ। एंड ऑल्सो हम यहाँ पे सजेस्ट करना चाहेंगे कि आप इस तरीके के कैप्सूल वार्डरोब्स ऐसा नहीं है एक महीने में आप क्रिएट कर सकते हैं या विद इन 2-3 मंथ्स आप क्रिएट कर पाएंगे, या आप धीरे धीरे बिल्ड करेंगे कि जब भी आप आज के बाद अपने लिए नया कपड़ा खरीदें तो आप इन डिजाइन को या इन पैटर्न को ध्यान में रख के खरीदें। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवेंचुअली आपके पास जो कपड़ों की कलेक्शन बचेगी वो आपका एक कैप्सूल वार्डरोब ही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आज से लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं रुपिंदर और ये है इंप्रेशंस इंडिया का सबसे पहला हिंदी में फैशन और स्टाइलिंग चैनल। सबसे पहले आपको जो ऑफिस वेयर है उसके कुछ की फैक्टर्स हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं। आप कोई भी आउटफिट खरीदें, कुछ भी जो आप पहन रहे हो वो आपको अलाउ करे फ्री बॉडी मूवमेंट्स के लिए, बिकॉज ये आपका वर्क वेयर है। तो अगर आप किसी भी स्टाइल की नेकलाइंस पहनते हैं, कोई स्पेसिफिक फ्लेयरी आउटफिट पहनते हैं जिसमें आपको उसे कैरी करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट देना होगा, वो आपके ऑफिस वेयर के लिए सूटेबल नहीं रहेगा। सो आपका आउटफिट इजी टू कैरी हो और बहुत कम मेंटेनेंस आपको थ्रू आउट द डे उसकी करनी पड़े, इस तरीके का आउटफिट आप पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपका जो क्लोदिंग का कोई भी पीस है, टॉप है, बॉटम है, वो मॉडेस्ट होना चाहिए। उसकी ट्रिम्स कुछ इस तरीके की नहीं होनी चाहिए कि उनमें किसी भी तरीके का शाइन हो, ब्लिंगी हो बहुत ज्यादा, या कलर्स जो है वो बहुत ज्यादा ब्राइट या बहुत ज्यादा लाउड ना हो। आपके जो दुपट्टास हैं मेक श्योर आप उनको कैजुअली फ्लोई तरीके से ना लें कि वो ऑल ओवर आपने उसको ड्रेप किया हुआ है, वो फ्री फ्लो कर रहा है आपके शोल्डर्स पे, आपकी बॉडी पे। उस तरीके से आपके दुपट्टास को आपने ड्रेप नहीं करना है, आपको अपने दुपट्टास को एक शार्प तरीके से ड्रेप करना है। जब आप उसे पहने वो मैनेजेबल लगना चाहिए और बहुत ज्यादा फैला हुआ नहीं होना चाहिए। किसी भी टाइप का फ्लेरी कुर्ता या बॉटम वेयर आप मत पहनिए, ऐसे स्टाइल्स को पिक मत कीजिए। आपके वर्क प्लेस का जो भी आउटफिट है उसका मकसद ये नहीं है कि आपको इन ट्रेंड में रहना है या ट्रेंड्स के साथ इन सिंक में रहना है या फिर आपको एक्सट्रीमली स्टाइलिश दिखना है। बेसिकली वर्क वेयर का जो आउटफिट है वो क्लासी होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए, जितना बेसिक हो सकता है, मिनिमल डिटेल्स उसमें हो और सबड्यूड एलिमेंट्स हो, यानी कि कोई भी एलिमेंट, उसका रंग, उसका डिजाइन, उसका पैटर्न, कोई भी चीज उसमें लाउड नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम लोग कैप्सूल वार्डरोब उन लोगों के लिए यहाँ पे बना रहे हैं जिनको एलिगेंट ट्रेडिशनल वेयर पसंद है, यानी कि इंडियन वेयर पसंद है, जिन लोगों का ऐसा स्टाइल है। ये जो कैप्सूल वार्डरोब सीरीज है ये उन लोगों के लिए है। तो यहाँ पे आपके लिए बेनिफिट ये है कि आपको जो आपका कैजुअल वेयर वार्डरोब हमने डिस्कस किया है उसके भी बहुत से पीसेस आप अपने ऑफिस वेयर के साथ मिक्स मैच करके पहन सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं आपको फैब्रिक्स कौन से चाहिए। कॉटन, चंदेरी कॉटन, चंदेरी सिल्क, खादी कॉटन, खादी सिल्क, कोटा डोरिया एंड रॉ सिल्क, ये सब फैब्रिक्स हैं जो सूटेबल हैं आपके ऑफिस वेयर के लिए। अगर आप ऐसे एरियाज में रहें जहाँ ह्यूमिडिटी ज्यादा है या सीजन इस तरीके का है कि बहुत ह्यूमिड है तो आप सिल्क को स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपके वार्डरोब का मेजर हिस्सा सिल्क कुर्ताज हो सकते हैं। सिर्फ कुछ ही वक्त है जब आप उन्हें मत पहने, अदरवाइज आप थ्रू आउट द ईयर इन फैब्रिक्स को कैरी कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं आप प्रिंट्स एंड पैटर्न्स को कैसे पिक कर सकते हो। आप एकत फैब्रिक को पिक कर सकते हैं, चेक्स हैं, स्ट्राइप्स हैं, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स जो हैं उनको आप पिक कर सकते हैं। जकार्ड कॉटन में जो पैटर्न्स आते हैं वो आपके ऑफिस वेयर के लिए सूटेबल है। साउथ कॉटन के पैटर्न्स को आप पिक कर सकते हैं। ऑल्सो बहुत से टाइप के ब्लॉक प्रिंट्स हैं, ऐसे ब्लॉक प्रिंट्स जिनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, प्रिंट के एक मोटिव का साइज बहुत ज्यादा बड़ा आपको यहाँ पे नहीं चाहिए। मीडियम से छोटे साइज के जो भी ब्लॉक प्रिंटेड फैब्रिक्स हैं उनको आप पिक कर सकते हैं अपने लिए ऑफिस वेयर कुर्ताज बनाने के लिए। द बेस्ट पार्ट अबाउट ऑफिस वेयर इज क्योंकि हम ऐसे प्रिंट्स को पिक कर रहे हैं जो बहुत लाउड नहीं है, या फिर ऑलमोस्ट टेक्सचर्ड फैब्रिक्स हम यहाँ पे पिक कर रहे हैं। आप खादी पिक कर सकते हो या फिर साउथ कॉटन भी है तो उसमें बॉर्डर्स ज्यादा रहते हैं, इन इटसेल्फ फैब्रिक प्लेन है,
जकार्ड में भी बहुत बड़े मोटिव्स नहीं होंगे. सो आपके जो प्रिंट्स एंड पैटर्न्स हैं वो आपको काफी स्कोप देते हैं कि आप इसमें कंस्ट्रक्शनल डिटेल कर सकें. कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स जैसे कि टक्स हैं, प्लीट्स हैं, ये थोड़े से कॉस्टली होते हैं. आपकी कुर्ता की जो मेकिंग है उसमें डेफिनेटली एड ऑन करेगा कॉस्ट अगर आप उसमें इस तरीके की डिटेलिंग्स करवाते हैं, या फिर आप थ्रेड वर्क मशीन थ्रेड से ही चाहे आप डिटेल्स करवा लें. इस तरीके की जो कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स हैं थोड़ी महंगी हैं, इसीलिए ऑफिस वेयर के लिए अप्रोप्रिएट हैं, बिकॉज वो ऐसे आउटफिट्स हैं जिसके साथ आपको सोशलाइज ज्यादा करना है एज कम्पेयर टू योर कैजुअल वेयर. तो वहां पे आप कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, उनमें इन एलिमेंट्स को आप निकाल सकते हैं, कम यूज कर सकते हैं. ऑफिस वेयर के क्योंकि प्रिंट्स पैटर्न्स और फैब्रिक्स इस टाइप के कि वो टक्स एंड प्लीट्स की जो शेप है उसे बहुत फाइन तरीके से और शार्प तरीके से होल्ड करते हैं. अगर हम ट्रिम्स की बात करें तो आप अपने ऑफिस वेयर में किनारी लेसेस यूज कर सकते हैं जो कि कॉटेड या थ्रेड वर्क में आती हैं. आप इंसर्शन लेसेस का यूज कर सकते हैं. बटन्स में आप मेटालिक एंड वुडन बटन्स दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं. अब हम चलते हैं बॉटम वेयर पे. बॉटम वेयर में बेसिकली आपको कौन से कलर्स की जरूरत रहेगी, चारकोल ग्रे और लाइट ग्रे में से, ये ऑप्शनल है आपके लिए, आप दोनों में से एक को पिक कर सकते हैं. जैसा कि हमने इसकी फर्स्ट वीडियो में जिसमें हमने कैजुअल वेयर डिस्कस किया था आपको बताया था कि ग्रे एक ऐसा कलर है जो ब्लैक से ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है और ज्यादा सटल कलर कॉम्बिनेशन क्रिएट करता है अगर आप किसी भी टाइप के कुर्ता के कलर्स के साथ उसे पहने. तो चारकोल ग्रे या लाइट ग्रे इन दोनों में से आप कोई भी कलर पिक कर सकते हैं, ऑप्शनल है, दोनों में से एक कलर आपको लेना है. सेकेंड है ऑलिव ग्रीन. यू विल बी सरप्राइज टू सी कि ऑलिव ग्रीन कितने कलर्स के साथ कॉम्प्लीमेंट करता है, फिर चाहे वो मस्टर्ड्स और येलोज के कोई शेड हो, रेड्स एंड मरून्स के शेड हैं. यूजुअली आप अगर ट्रेडिशनल प्रिंट्स के साथ जाएंगे तो आपको बहुत ही डीप मरून्स भी वहां पे मिलेंगे. अगर आप ब्राउन्स पहनते हो तो उसके साथ भी ऑलिव ग्रीन बहुत अच्छा लगता है. इनफैक्ट अगर आप बेसिक ग्रे कलर के कुर्ताज पहन रहे हो, बेसिक न्यूट्रल कुर्ताज हैं, ब्लैक कुर्ताज हैं, उनके साथ भी ऑलिव ग्रीन बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है. थर्ड है ब्राउन. कैजुअल वेयर में हमने ब्राउन की जगह आपको मरून सजेस्ट किया था. दो जो कॉटन के फैब्रिक्स आते हैं ट्रेडिशनल प्रिंट्स में आते हैं या फिर प्लेन टेक्सचर्ड कॉटन आते हैं, उनके मरून्स बहुत डीप होते हैं और सबड्यूड होते हैं, बहुत ब्राइट मरून्स नहीं होते. बट स्टिल ऑफिस वेयर के लिए जो ब्राउन है वो ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करेगा आपके मैक्सिमम कलर्स के साथ. नेक्स्ट ऑप्शन है ऑफ व्हाइट एंड बेज के बीच में. बेज भी एक न्यूट्रल कलर है जो ऑलमोस्ट सब कलर्स के साथ बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है, फिर चाहे वो आपके न्यूट्रल कलर्स हों या फिर जो भी आपके ट्रेडिशनल प्रिंटिंग के कलर्स हैं या फिर पेस्टल्स के कलर्स हैं, उनके साथ बेज बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेगा. अब यहाँ पे वी वुड लाइक टू सजेस्ट कि जब भी आप अपने लिए बेज कलर को पिक करें, मेक श्योर वो आपकी स्किन टोन से टोटली ऑपोजिट हो. ऑल्सो इसमें जो भी बॉटम आप बनाएं वो स्किन टाइट ना हो. द रीजन बींग आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि अगर हम अपनी स्किन से सिमिलर बेज टोन की लेगिंग्स पहनते हैं या टाइट फिट बॉटम्स पहनते हैं, वो इस तरीके का इल्यूजन देता है एज इफ जिस इंसान ने वो पहना है उनका बॉटम वेयर मिसिंग है, बिकॉज वो आपको लेग्स का ही इल्यूजन देता है. उसका कलर और शेप इज सिमिलर टू योर लेग्स. तो मेक श्योर एक तो वो स्ट्रेट पैंट्स हो, बिल्कुल टाइट फिटेड ना हो, और अगर आप फेयर स्किन हैं तो डार्क बेज कलर आपको पिक करना है अपने बॉटम्स के लिए, और अगर आप डार्क स्किन हैं तो आपको लाइटर शेड्स ऑफ बेज को पिक करना होगा. सो एज आई मेंशन्ड कि आपके जो बॉटम्स हैं वो टाइट या स्किन टाइट नहीं होने चाहिए, ये बेज के लिए एक स्टैंडर्ड रूल है. आप बेज को कैसे भी पहने, आपके कैजुअल वेयर में, ऑफिस वेयर में, पार्टी वेयर में, मेक श्योर बेज में जो बॉटम्स हैं वो स्किन टाइट ना हो. बट फॉर ऑफिस वेयर आपका कोई भी जो बॉटम वेयर है वो स्किन टाइट ना हो तो बेहतर है. ईदर स्ट्रेट पैंट्स हों, स्ट्रेट सलवार हों या फिर कॉटन के चूड़ीदार हों, क्योंकि वो बॉडी हगिंग नहीं होते, उनको कंफर्टेबल फिट में बनाया जाता है. नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि आप उनमें पॉकेट्स को जरूर ऐड करवाएं. सो यहाँ पे हम नंबर ऑफ पीसेस देख लेते हैं कि हमें क्या चाहिए. सो कुर्ताज की अगर हम बात करें तो आपके पास ए लाइन कुर्ताज और स्ट्रेट कुर्ताज दोनों होने चाहिए. अगर आप किसी भी बॉडी टाइप के हैं ए लाइन आपको कंफर्टेबल रहेगा. मेक श्योर वो ए लाइन इस तरीके का हो जिसमें साइड स्लिट्स हैं एंड उसमें बहुत ज्यादा फ्लेयर ना हो. एक मीडियम अमाउंट ऑफ ए लाइन आपको चाहिए. सेकेंडली स्ट्रेट कुर्ताज को आप स्किप कर सकते हैं, टोटली ए लाइन भी रख सकते हैं अपनी कलेक्शन में. सो दैट थोड़ा वेरिएशन रहे स्टाइल्स में, इसलिए हम यहाँ पे ए लाइन और स्ट्रेट कुर्ताज दोनों को सजेस्ट कर रहे हैं. बट दिस इज ऑप्शनल, आप इंटायर रेंज ऑफ कुर्ताज स्ट्रेट भी रख सकते हैं, ए लाइन भी रख सकते हैं. सो हम यहाँ पे नंबर ऑफ पीसेस की बात करते हैं. ए लाइन कुर्ताज आपके पास चार हो सकते हैं. इसमें से एक से दो जो कुर्ताज होंगे उनको आप प्लेन या टेक्सचर्ड कॉटन में ले सकते हैं. अब क्योंकि टोटली प्लेन कुर्ता है, मेक श्योर आप इनपे नेक पैचेस को जरूर ऐड करवाएं. बहुत एक्सपेंसिव नहीं पड़ेगा, कोई भी प्रिंट का पीस
आप अपने कुर्ताज के ऊपर एज अ नेक पैच ऐड करवा सकते हैं। ये डिजाइन डिटेल भी ऐड करेगा एंड ऑल्सो इससे आपका जो कुर्ता है वो बहुत ज्यादा प्लेन नहीं लगेगा। नेक्स्ट आपके जो स्ट्रेट कुर्ताज हैं वो भी आपको चार चाहिए। आप में से जो लोग अपने वर्कवेयर में साड़ीज और कुर्ताज दोनों चीजें पहनते हैं, आप इन चार कुर्ताज की जगह चार साड़ीज को भी रख सकते हैं। अगेन उन्हीं सब फैब्रिक्स में जो हमने मेंशन किए हैं आपको, जो ऑफिस वेयर के लिए परफेक्ट हैं। सो हमने यहाँ पे आठ टॉप वेयर की बात की है, आठ कुर्ताज की बात की है, बिकॉज जनरली 7 वर्किंग डेज होते हैं तो आपके पास यहाँ पे 8 टॉप वेयर के ऑप्शंस हैं। बॉटम वेयर्स में हमने आपको 4 कलर्स सजेस्ट किए हैं, तो आप हर कलर में एक एक बॉटम वेयर बना सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपको लगता है कोई कलर आपके यूज का नहीं है, आप किसी एक कलर में 2 टाइप के बॉटम्स भी बना सकते हैं। बेसिक थिंग इज कि हमारा जो नंबर है वो 4 रहेगा बॉटम वेयर्स का। यहाँ पे स्कार्व्स या दुपट्टास, इन टोटल आप 3 ले सकते हैं, प्रिंटेड या प्लेन एज पर योर चॉइस। सो अब यहाँ पे हमारे पास टोटल 15 पीसेस हैं। आप में से बहुत से लोग सोच सकते हो कि वर्क वेयर में 15 पीसेस बहुत कम होते हैं। सो फॉर दोज ऑफ यू जो हफ्ते में 7 दिन या 5 दिन काम करते हो, कैजुअल वेयर वार्डरोब में हमने आपको 22 से 25 पीसेस सजेस्ट किए थे और वो सब सिमिलर हैं ऑफिस वेयर के साथ, बिकॉज ये मिनिमल स्टाइल्स हैं, बेसिक स्टाइल्स हैं। हमने इसको नैरो डाउन किया है ट्रेडिशनल वेयर पे, ट्रेडिशनल फैब्रिक्स पे, तो वो सब स्टाइल्स इनके साथ मैच करते हुए हैं। तो आप वहां से भी अपने लिए कुछ पीसेस उठा के मिक्स मैच कर सकते हैं, बिकॉज जनरली एवरीडे वेयर के लिए आपको उतने कैजुअल वेयर की जरूरत नहीं रहेगी। अगर आप सारा दिन ऑफिस में रहते हैं और सिर्फ वीकली आप एक दिन आपके पास ऑफ है या 2 दिन आपके पास ऑफ है, तो 22 से 25 कैजुअल वेयर के पीसेस की जरूरत आपको नहीं होगी। सो आप एनी डे इनको मिक्स मैच करके भी पहन सकते हैं। कुछ पार एलिमेंट्स हैं जो आप अपने कुर्ताज में ऐड करवा सकते हैं। यहाँ पे कफ्स हो सकते हैं आपकी कुर्ताज की स्लीव्स पे, डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ कफ्स आप देख सकते हो। बेसिक कफ तो है ही, आपको बहुत से कट्स में, बहुत से स्टाइल्स में कफ्स के स्टाइल्स भी मिल जाते हैं। देन आप कॉलर्स ट्राई कर सकते हो, फुल बैंड नेक आप ट्राई कर सकते हैं, हाफ कॉलर नेकलाइन ट्राई कर सकते हैं, एक्सटेंडेड नेकलाइंस बहुत ज्यादा इन ट्रेंड है, शर्ट कॉलर्स को आप ट्राई कर सकते हैं। सो ये जो एलिमेंट्स हैं ये आपके आउटफिट को एक फॉर्मल वेयर का लुक ज्यादा देता है, ऑफिस फॉर्मल का, एज कम्पेयर टू कैजुअल वेयर। अदरवाइज बाकी जो भी छोटी नेकलाइंस हैं, जीरो नेकलाइन है, फ्रंट की होल नेकलाइन है या राउंड नेकलाइन विद स्लैश है, वो सब सूटेबल है आपके ऑफिस वेयर आउटफिट्स के लिए। सो आई होप दिस वॉज यूजफुल एंड ऑल्सो आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा कि कैजुअल वेयर में हमने आपको जितने पीसेस बताए हैं उनको भी आप मिक्स मैच कर सकते हो अपने ऑफिस वेयर के साथ, बिकॉज डेफिनेटली अगर आप 5 दिन या 7 दिन काम कर रहे हो तो पूरा दिन आप काम पे होते हो, तो आपको एवरीडे वेयर में 25 पीस पहनने का मौका कभी नहीं मिलेगा। तो उसके भी जो आउटफिट्स हैं, उसके भी जो गारमेंट के पीसेज हैं, उनको भी आप मिक्स मैच कर सकते हैं, बिकॉज द बेस्ट थिंग हियर इज हम ट्रेडिशनल फैब्रिक्स का यूज कर रहे हैं। इनकी कलर रेंज जो होती है ये सिमिलर होती है नो मैटर किस स्टेट का वो फैब्रिक है, किस स्टेट की वो प्रिंटिंग है। ऑन दी अदर हैंड जो भी आप मॉडर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स हैं या मशीन प्रिंटिंग की जो टेक्निक्स है उनमें भी हमें पेस्टल कलर्स के ऑप्शंस बहुत अच्छे मिलते हैं कॉटन्स में, तो वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऐसा कोई स्टाइल नहीं है जो हमने कैजुअल वेयर में सजेस्ट किया था जिसको आप यहाँ नहीं पहन सकते। द ओनली थिंग इज कि आप लाइक्रा के चूड़ीदार्स मे बी कैजुअल वेयर में पहन सकते हो, लेकिन ऑफिस वेयर के लिए प्लीज उनको मत पहनिए। सो दैट्स इट एवरीवन, आई होप ये यूजफुल था। अब इस सीरीज की एक वीडियो और रहती है जो कि है पार्टी वेयर के लिए। सो हमने यहाँ पे मैक्सिमम पोर्शन इस सीरीज का कवर कर लिया है। आई होप आपको पसंद आई होगी। इफ येस देन प्लीज मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।